केवल एक्सरसाइज करना या जितनी देर ध्यान में बैठना उतना योग नहीं है। योग बहुत छोटा शब्द नहीं है, योग विशाल और व्यापक शब्द है। आप सूरज और धरती को देखते हैं, ये मिले हुए कभी नहीं है। सूरज ऊपर है, धरती नीचे है, फिर भी इनका योग है आपस में। कैसा योग है? तो धरती घूमती है ना सूर्य के आसपास, किसके लिए घूम रही है? सूर्य के लिए घूम रही है। तो सूर्य की कृपा शक्ति फसल के रूप में, जल के रूप में, अन्न के रूप में, रस के रूप में पृथ्वी के अंदर है। ये सूर्य की शक्ति है। ठीक, ये बात से सहमत हो तो हाथ ऊपर करो। योग है, इसका योग है। क्यों? क्योंकि उसका केंद्र सूर्य है। वो भले ऊपर और नीचे है, मिलते नहीं है आपस में, पर फिर भी उसका केंद्र तो सूर्य है ना। तो सूर्य की तमाम शक्तियां वो खींच लेती है। ऐसे ही केंद्र का केंद्र परमात्मा है। तमाम शक्तियां आपका चित्त और मन खींच लेगा जब आप केंद्र में उसको बिठा देते हैं। दोष निकालना उसकी जिम्मेदारी है, गुण लाना उसकी जिम्मेदारी है, आपको संभालना उसकी जिम्मेदारी है, आपकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। वो केंद्र में होना चाहिए। अगर वो केंद्र में रहा, सारी चीजें सुलझ जाती है। फिर कब क्या कैसे क्या वो उस पर छोड़ दो। पृथ्वी कभी सोचती नहीं कि मुझे कौन से भाग में जल रखना है, कौन से भाग में फसल रखनी है, कौन से भाग में पत्थर बनाने, कौन से भाग में, ये पृथ्वी का काम नहीं है। वो तो सहज में बस केंद्र में सूर्य को रखे हुए घूमती है। तो पृथ्वी ही कितनी व्यापक है। ऐसा थोड़ी है कि जब सूर्य केंद्र में आ गया तो बाकी सब काम छोड़ दिए उसने ना। वो कर रही है, कार्य बंद नहीं हुआ उसका, सुंदर हुआ, बंद नहीं हुआ, सुंदर हुआ। ऐसे ही जब हमारे केंद्र में ईश्वर या गुरु आ जाए, क्या आप जो भी कार्य करते हैं, ये शरणागति योग है, ये भक्ति योग है, ये प्रसन्नता देने वाला योग है, यही ज्ञान योग है। ज्ञान बस केवल इतना सा फर्क है कि ज्ञान ये समझता है कि केंद्र में ब्रह्म है। जो कुछ भी हो, मेरे ब्रह्म की सत्ता से हो रहा है, मेरी सत्ता से हो रहा है। ये जो दिख रहे हो आप, वो मेरी सत्ता है। मैं अनेक रूपों में भाषित हो रहा हूँ, ये ज्ञान है। और अनेक रूपों में मेरा परमात्मा भाषित हो रहा है, ये भक्ति है। केंद्र में कोई होना चाहिए। केंद्र में जो कुछ होगा वही आपका मैग्नेट बनकर आपके तमाम वृत्ति और तमाम विचारों की किल्लियों को अपने पर आकर्षित कर देगा। अगर केंद्र में कोई संसारी व्यक्ति है, संसारी वस्तु है, धन है, पदार्थ है, तो सारी वृत्तियां बिखेर देगा। बस केंद्र में परमात्मा हो, फिर जो हो सो हो, जो कुछ भी करो उसकी उसके लिए करो। रोते हो तो उसके लिए, खाते तो उसके लिए, पीते तो उसके लिए, नहाते तो उसके लिए। हम तो कभी कभी बड़ी मौज लेते, अच्छे कपड़े पहन लेते, बोले भाया कि नहीं भाया, तुझे भाया? भाया, चलो बढ़िया। और कभी कभी बोलता भी है, आज नहीं भाया, हम बोले चलो उतार देते हैं। आनंद लो, जीवन आनंद के लिए है ना, सारा दिन ऐसा ही होना चाहिए। क्या सहज आनंद?